एक बार की बात है, एक गांव में महेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में ही आपस में बहुत पक्की दोस्ती थी। महेश बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। उसकी भगवान में बहुत आस्था थी। इसके ठीक विपरीत रमेश बहुत ज्यादा मेहनती था। वह कठिन परिश्रम में विश्वास करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी और दोनों दोस्तों ने यह निश्चय किया कि वे उस जमीन पर अच्छी फसल उगाएंगे और उस फसल को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे। रमेश दिन रात खेत में बहुत मेहनत करता और रात को भी खेत में ही सो जाता। उधर दूसरी ओर रमेश कभी भी खेत में काम करने के लिए नहीं जाता। वह मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश की मेहनत रंग लाई। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। कुछ दिन बाद जब फसल पककर तैयार हो गई तो उसकी कटाई करके उसे बाजार में जाकर बेच दिया गया। फसल बेचने पर उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर रमेश ने कहा, इन पैसों पर मेरा ज्यादा हिस्सा होना चाहिए क्योंकि मैंने खेत पर दिन रात मेहनत की है, जबकि तुम तो एक भी दिन खेत पर नहीं आए। रमेश की यह बात सुनकर महेश को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मानता हूँ तुमने खेत पर ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मैंने भी दिन रात भगवान से प्रार्थना की है, तब जाकर कहीं अच्छी फसल हुई है, क्योंकि अगर भगवान की मर्जी ना हो ना तो तुम अच्छी फसल कहाँ से कर लेते। दोनों की लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ से गुजर रहे एक किसान ने उन दोनों दोस्तों को लड़ते देखा और कहा, तुम दोनों इतने अच्छे और पुराने दोस्त होकर कुछ रुपयों के लिए लड़ रहे हो। एक काम करो, तुम दोनों गांव के मुखिया के पास चले जाओ, वही तुम्हारी इस लड़ाई का हल निकालेंगे। महेश और रमेश को उस किसान की बात अच्छी लगी और वे दोनों पहुंच गए गांव के मुखिया के पास और उन्हें अपनी लड़ाई की असली वजह बताई। मुखिया ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दे रहा हूं। गेहूं में छोटे छोटे कंकड़ भी मिले हुए हैं। तुम दोनों ये एक एक बोरी गेहूं घर ले जाओ और कल सुबह इन्हें मेरे पास साफ करके ले आना, तब मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। महेश और रमेश ने गेहूं की एक एक बोरी ली और वहां से निकल पड़े। रमेश बोरी लेकर घर पहुंचा और पूरी रात जागकर गेहूं से सारे कंकड़ अलग कर दिए। वहीं दूसरी ओर महेश ने तो बोरी खोली तक नहीं और वह अपनी बोरी लेकर सीधा मंदिर में पहुंच गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस गेहूं से कंकड़ को अलग कर दो। और वह वही मंदिर में बैठकर पूरी रात भगवान से यही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरे गेहूं से कंकड़ को अलग कर दो। अगली सुबह महेश और रमेश अपनी अपनी गेहूं की बोरी लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया रमेश की बोरी खोलकर देखता है और बहुत खुश होता है और रमेश से कहता है, अरे वाह रमेश, तुमने तो अपनी मेहनत से पूरा गेहूं साफ कर दिया। फिर मुखिया महेश की बोरी खोलकर देखता है और कहता है, अरे महेश, तुम्हारे गेहूं में तो कंकड़ भरे पड़े हैं, क्या तुमने गेहूं साफ नहीं किए। तब महेश ने मुखिया से कहा, मैं पूरी रात गेहूं को बोरी लेकर मंदिर में बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरे गेहूं से सारे कंकड़ साफ कर दो, और मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान गेहूं से कंकड़ साफ कर देंगे, पर पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। तब मुखिया ने महेश से कहा, अरे महेश, भगवान भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। फिर मुखिया ने कहा, चलो अब निर्णय हो चुका है, फसल के पैसों का ज्यादा हिस्सा रमेश को मिलेगा, क्योंकि खेत में असली मेहनत तो रमेश ने ही की है। निर्णय सुनकर महेश बेचारा मन महसूस कर रह गया और अगली बार से उसने भी रमेश के साथ खेत में मेहनत करने का निश्चय किया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल स्टोरी डायरी 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।